ये पीछे जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, दीवारें दिखाई दे रही हैं टूटी फूटी, ये बैंड्रा फोर्ट की दीवारें हैं। बैंड्रा का जो किला था उसकी दीवारें हैं। यहाँ कुछ अवशेष बचे हैं किले के और गार्डन के रूप में इसे विकसित कर दिया गया है। यहाँ लोग आते हैं, बैठते हैं, घूमते फिरते हैं। बड़ी अच्छी जगह है, समुद्र के किनारे, बैंड स्टैंड बैंड्रा। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हम लोग इस समय मुंबई के बैंड स्टैंड पर हैं। बैंड स्टैंड बेसिकली एक पार्क है जिसे लवर्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है और यहीं पर एक फोर्ट के अवशेष भी हैं जिसे बैंड्रा फोर्ट या बांद्रा फोर्ट कहा जाता है। यहाँ लोग कपल्स में आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं और अक्सर जगह जगह आपको प्रेमालाप करते हुए लोग दिखाई दे जाते हैं। हम लोग अभी जब यहाँ पहुँचे तो उस समय बारिश शुरू हो गई थी। बारिश शुरू होने से पूरा पार्क खाली हो गया है। पार्क के सामने ही कुछ कॉफ़ी शॉप्स हैं, समुद्र किनारे बैठकर कॉफ़ी पीने का आनंद आप ले सकते हैं। कुछ कॉफ़ी शॉप्स के साथ ही द्वार पर ही होटल ताज भी है। आप चाहें तो होटल ताज में जाकर भी कॉफ़ी पी सकते हैं। बैंड स्टैंड से कुछ ही दूरी पर प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार्स के घर भी हैं, जैसे शाहरुख खान का मन्नत है, गैलेक्सी टावर में सलमान खान का घर है और इन दोनों के घरों के बीच में आपको रेखा का घर और जॉन अब्राहम का घर भी देखने को मिलता है। बैंड्रा फोर्ट के इस कैंपस को, जहां ये गार्डन है, इसे एक ऑडिटोरियम की तरह बनाया गया है। बीच में एक स्टेज है और चारों तरफ सीढ़ियां बनाई गई हैं जिस पर बैठकर जो भी यहां कार्यक्रम होते हैं उन्हें दर्शक देख सकते हैं। बैंड्रा फोर्ट का एक नाम कैस्टेला दे अगुआड़ा भी है। इस किले को पुर्तगालियों ने 1640 ईस्वी में बनाया था। मुंबई शहर के दक्षिणी हिस्से में एक द्वीप हुआ करता था जिसे माहिम खाड़ी के नाम से जाना जाता था, जो अब अरब सागर में स्थित है। इस माहिम खाड़ी की देखरेख के लिए पुर्तगालियों ने इस किले का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज भी यहाँ से आया जाया करते थे। वाटर पॉइंट ये भी एक नाम था पुर्तगाली शासन में बांद्रा किले का। 18वीं सदी में पुर्तगालियों का शासन समाप्त हो चुका था। ब्रिटिश कब्जा कर चुके थे इस किले पर, किंतु ब्रिटिश संपत्ति के लिए मराठा साम्राज्य से बड़ा खतरा था, तो अंग्रेजों ने इस किले के आंशिक भाग को ध्वस्त कर दिया ताकि मराठे इस किले पर कब्जा ना कर सकें। 1739 ईस्वी में मराठा सैनिकों ने आक्रमण किया इस किले पर और अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने 1774 ईस्वी तक इस किले पर शासन किया। मराठों के शासन के बाद अंग्रेजों ने पुनः इस किले पर कब्जा कर लिया और बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम बदलकर कैस्टेला डे अगुआड़ा रखा। बाद में ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप सहित कई और द्वीपों को जीजी भो नामक एक पारसी व्यापारी को दान में दे दिया, जिसने उसका नाम बदलकर बायरजी जीजी भाई पॉइंट रख दिया। इस रोड को आज भी जीजी भाई रोड के नाम से जाना जाता है। अभी हम देख रहे हैं वर्ली सी लिंक। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस किले के ऊपर से वर्ली सी लिंक ब्रिज का। आइए अब आपको बताता हूँ इस किले तक कैसे पहुँचें। इस किले तक आने के लिए आपको बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ेगा, जो मुंबई लोकल रेलवे की पश्चिम लाइन का रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा बांद्रा रेलवे स्टेशन और माहिम रेलवे स्टेशन, जो इस किले के पास ही हैं, जहाँ से आप ऑटो रिक्शा या बस द्वारा यहाँ तक पहुँच सकते हैं। कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ हुई है, जिसमें प्रसिद्ध फिल्मों में दिल चाहता है और बुढ़ा मिल गया शामिल हैं। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है। पुरातत्व विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और कुछ चट्टानों का प्राकृतिक रूप से निर्माण करने का प्रयास किया गया है। एक ओपन एयर स्टेडियम भी यहां बनाया गया है, जो गार्डन के बीचों बीच स्थित है। आइए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं समुद्र तट की ओर। ये सीढ़ियां बना दी गई है
समुद्र तट तक पहुंचने के लिए, जहां लोग खड़े होकर समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं, समुद्र किनारे खड़े रहकर। जब सीढ़ियों से उतरकर हम नीचे की तरफ जाते हैं समुद्र तट की तरफ, तो वहां एक सुंदर सा गेट बना हुआ है। बांद्रा किले के इस गेट से जब हम नीचे पहुंचते हैं तो एक कैंपस है, कवर्ड कैंपस, जहां से लोग समुद्र दर्शन का आनंद लेते हैं। बैंड स्टैंड, बांद्रा फोर्ट और समुद्र तट, यहां लोग आते हैं पिकनिक मनाने, अपना समय बिताने, सुकून से बैठने। लोग यहां जोड़ों में भी आते हैं और अपने परिवार के साथ भी आते हैं। और बैंड स्टैंड तो वैसे ही प्रसिद्ध है मुंबई शहर में लवर्स पॉइंट के रूप में। दोस्तों, क्या आप कभी बांद्रा फोर्ट गए हैं, बैंड स्टैंड गए हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आइए अब हम आनंद लेते हैं समुद्र से उठती हुई लहरों की जो आवाज़ है, उस आवाज़ का और समुद्र तट का। अच्छा।